Hey Genius, welcome back to my channel. So Genius, आज अपन करने जा रहे हैं NBFC का illustration number 6. तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और illustration number 6 को भी आसान बनाते हैं. तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 6. बाबू भाई फाइनेंसियर्स लिमिटेड, क्या नाम है, इज एन NBFC प्रोवाइडिंग हायर परचेज सॉल्यूशंस फॉर एक्वायरिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. मतलब ये एक NBFC है जो कि कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर, हायर परचेज की. ठीक है, किसके लिए, फॉर एक्वायरिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो चीज़ें जिसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है. जैसे अभी आप अगर आसपास देखो तो आपको मिलेंगे AC, TV, वॉशिंग मशीन, इस तरीके के कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं जो कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनको हायर परचेज पर लेते हैं. ठीक है ना, तो ये भी एक NBFC है जो कि हायर परचेज की सर्विस प्रोवाइड कर रही है फॉर एक्वायरिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. आगे देखो क्या दे रखा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इस बुक्स. अब उनकी बुक से कुछ हमने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई है. कब की है ये, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. ठीक है ना, आगे देखो हमें कुछ एसेट्स दे रखे हैं, वही ड्यूरेबल एसेट्स होंगे जैसे कि LCD टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल फ़ोन. ठीक है, ये वही अपने ड्यूरेबल गुड्स. इंटरेस्ट ओवर ड्यू एंड रिकॉग्नाइज इन P&L अकाउंट. यहाँ पर पीरियड दे रखा है अप टू 12 मंथ्स, फॉर 24 मंथ्स, फॉर 30 मंथ्स, फॉर 45 मंथ्स, फॉर 60 मंथ्स. ठीक है, फिर इधर आपका इंटरेस्ट दे रखा है और क्या बात है, आगे देखो क्या दे रखा है, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स. क्या दे रखा है, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि यहाँ पर हमें नेट बुक वैल्यू को कंप्यूट करने की आवश्यकता यानी कि नीड नहीं है. वैसे मैंने आपको नेट बुक वैल्यू भी कैलकुलेट करना सिखाया है, अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होगे ऑर्डर में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ. तो मैंने आपको नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया है, लेकिन यहाँ पर नेट बुक वैल्यू सीधे सीधे आपको परोस कर दे रखी है, तो हम डायरेक्ट इसको कंसीडर कर लेंगे. ठीक है ना, तो नेट बुक वैल्यू दे रखी है. अब देखो पहले कॉपी पर आ जाते हैं, फिर आपको समझाते हैं. देखो NBFC में मैंने आपको याद होगा एक कंसेप्ट सिखाया था, प्रोविज़न नॉर्म्स ऑन हायर परचेज एंड लीज एसेट्स. ठीक है, उसमें दो तरीके के प्रोविज़न सिखाए थे, एक बेसिक प्रोविज़न और एक एडिशनल प्रोविज़न. ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 6 में जिस तरीके की हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम बेसिक प्रोविज़न निकालेंगे या एडिशनल प्रोविज़न. सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन इस तरीके से गिवन है कि हम कौन सा कैलकुलेट करेंगे, एडिशनल प्रोविज़न. अब कुछ लोग भूल गए होंगे तो मैं एक एडिशनल प्रोविज़न का रिकैप दे देती हूँ. ठीक है ना, देखो एडिशनल प्रोविज़न में क्या था, सबसे पहले एक टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को हमें 12-12 मंथ्स में क्या करना है, डिवाइड करना है. तो ये हो गए हमारे स्टार्टिंग के 12 मंथ, 24, ठीक है, 36, 48. ठीक है, तो अगर कोई अमाउंट ड्यू है कितना, 12 मंथ्स तक, तो उस पर कोई भी प्रोविज़न हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना, तो वहाँ पर आ जाएगा निल. अगर यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि उसको कितना हो गया है, 24 मंथ्स, अब हमें थोड़ा डर लगना शुरू हो जाएगा और हम उस पर कितना प्रोविज़न बना देंगे, 10%. ठीक है, उसके बाद अगर उसे कितना हो गया, 36 मंथ्स, तो हम उस पर कितना बना देंगे, 40%, यानी कि उसे कितना हो गया, 24 मंथ से लेके 36 मंथ, 24 मंथ से ज़्यादा हो गए और 36 मंथ तक है, तो उस पर कितना बनेगा, 40%. ठीक है, और अगर उसे कितने हो गए, 48 हो गए, तो उस पर बन जाएगा 70%. और अगर 48 मंथ्स भी एक्सीड कर गए, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया ये, तो अब तो हमें लग ही नहीं रहा कि पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, 100%. अगर 48 मंथ से भी ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे,
उस पर 100% का प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और इस परसेंट को याद करने का मैंने आपको सिंपल बताया था कि इन सारी परसेंट के बीच में डिफरेंस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 30%। देखो 10 और 30 40, 40 और 30 70, फिर 70 और 30 100, यानी कि सब में कितना है 33%, यानी कि 30% का डिफरेंस है। तो 10, 40, 70, 100, ठीक है ना। ये मैंने वैसे आपको वहाँ पर समझा दिया था, यहाँ पर सिर्फ आपको रीकैप दे रही हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सबसे पहले लिखो वहाँ पर NBFC इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो हमें, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिक प्रोविजन नहीं एडिशनल प्रोविजन बनाएंगे। तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन, जिस तरीके की हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, किसके प्रति, इन रेस्पेक्ट ऑफ हायर परचेज एसेट, तो हम क्या करेंगे एडिशनल प्रोविजन शैल बी मेड। अब एडिशनल प्रोविजन कैसे मेड होगा वो हम नीचे दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हायर चार्जेस ओवरड्यू, यहाँ पर साबरा पीरियड आ जाएगा, परसेंट ऑफ प्रोविजन जो हमें याद है, ठीक है। हायर चार्जेस का जो ओवरड्यू का जो पीरियड है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, परसेंट ऑफ प्रोविजन हमें लगाना है पीरियड को देख के, और अमाउंट ऑफ प्रोविजन हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल है ना। तो सबसे पहले वेयर हायर चार्जेस आर ओवरड्यू अप टू 12 मंथ, मतलब जब सिर्फ कितना हो 12 मंथ तक, तो कितना ड्यू है सिर्फ 12 मंथ तक ड्यू है, तो वहाँ पर हमें कोई भी प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लगेगा परसेंट ऑफ प्रोविजन, निल। तो आंसर भी आ जाएगा इसका निल। तो अगर आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, तो क्वेश्चन में जो पहला था LCD टेलीविज़न, उसका अमाउंट था 20,000, लेकिन वो क्या कब तक ड्यू था, अप टू 12 मंथ्स, तो वहाँ पर हमें कोई भी प्रोविजन मेड करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आ गया नहीं। नेक्स्ट देखो वॉशिंग मशीन फॉर 24 मंथ्स, कितना ड्यू है 24 मंथ्स तक ड्यू है, यानी कि इस वाली में आ गया ये, तो यहाँ पर कितना लगेगा हमारा 10%। तो यहाँ पर 10% लगेगा, और 10% किस पर लगता था, NBV पर, यानी कि नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट। तो 10% किस पर लगेगा, नेट बुक वैल्यू, और वॉशिंग मशीन का नेट बुक वैल्यू कितना दे रखा है 2000, तो 2000 का 10% ये आ जाएगा 200, ठीक है ना। फॉर मोर देन 24 मंथ्स, बट अप टू 36 मंथ, 24 महीने से ज़्यादा लेकिन 36 मंथ से कम, उस पर लगता है 40%। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो रेफ्रिजरेटर हमारा कितना है 30 मंथ्स, 30 मतलब 30 महीने, तो 30 मंथ्स देखो यहाँ पर कहाँ पे फॉल करेगा, 30, 24 से तो ज़्यादा है, 24 से तो ज़्यादा है 30, 36 से कम है, यानी कि यहीं पर फॉल करेगा इन्हीं के बीच में, तो इस पर कितना लगेगा 40%। तो रेफ्रिजरेटर पर लग जाएगा 40% ऑफ, और लगता किस पे है, नेटबुक वैल्यू पे, तो 40%। और NBV कितना दे रखा है, और रेफ्रिजरेटर का आपको दे रखा है 1250, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, 1250 का 40%, ये दे रखा है 500, ठीक है ना। नेक्स्ट, मोर देन 36 मंथ बट अप टू 48 मंथ्स, 36 मंथ से ज़्यादा लेकिन 48 मंथ से कम, तो उस पर लगेगा 70%, ठीक है, 70। तो नेक्स्ट देखो हमारा एयर कंडीशनर दे रखा है क्वेश्चन में, आपके पास मॉड्यूल तो है ना, मॉड्यूल में देखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है हमें AC, यानी कि एयर कंडीशनर, कितना दे रखा है 45 मंथ्स, तो 36 से तो ज़्यादा होते हैं और 48 से कम होते हैं, 45 मंथ्स यहाँ फॉल करेगा, यानी कि उस पर लगेगा 70%। और लगता किस पर है, अगेन NBV पर, नेट बुक वैल्यू। तो देखो AC का नेट बुक वैल्यू कितना दे रखा है 600, सही है ना, हाँ, तो 6 × 7 = 42 ये आ जाएगा 420, ठीक है। फॉर मोर देन 48 मंथ्स, यानी कि जब 48 मंथ से ज़्यादा होता है तब कितना लगता है 100%। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन देखो तो उसका कितना है 60 मंथ्स, कितना है 60 मंथ, यानी कि 48 मंथ से ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना लग जाएगा 100%।
तो लास्ट वाले पे लग जाएगा 100% ऑफ NBV नेट बुक वैल्यू। तो 100% किस पे लग जाएगा, मोबाइल फ़ोन का नेट बुक वैल्यू देखना कितना दे रखा है, 100। तो 100% का 100 ही आ जाएगा, 100 100 100 100। यहाँ पे हम टोटल देख लेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अच्छा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जैसे लिखा है ना वेयर हायर चार्जेस आर ओवरड्यू अप टू 12 मंथ, उसी तरीके से यहाँ भी लिख देना वेयर हायर चार्जेस आर फॉर मोर देन 12 मंथ्स बट अप टू 24 मंथ। मतलब ये जो मैंने लाइन छोड़ी है ना सबके एक एक, इन सब में और कुछ नहीं लिखना, यही वाली लाइन कॉपी पेस्ट करनी है, वेयर हायर चार्जेस आर। ठीक है, ये हमारा आ गया पहले में नील, दूसरे में 200, 500 और ये आपका 500 700 800 8 4 12, यानी कि 12 20। तो हमारा टोटल आ गया 1220। उम्मीद है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 पूरा का पूरा समझ में भी आया हो और साथ के साथ उसका प्रेजेंटेशन भी समझ में आया हो। इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे आपके फुल मार्क्स आएंगे, कोई भी एक मार्क नहीं कट करेगा, है ना। और ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि अगर आप NBFC का कंप्लीट रिवीजन देखा होगा तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इतना ही, इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ दे डिजर्व, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे और इसी तरीके से हमारी फैमिली बनी रहेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज़।